ahora. लेकिन मास्टर चार लाइन घूमका के अंदाज बा। हाय कली काल करकस तेरी कल्पना, दीप तरकस भरा तेरे अनुराग में, गिर कुटली अंजुलि में मचल जाती सबनम, जल गई पर सिका सपने बैराग में, होके अपने बेगाने भी बन जाते हैं, इस कदर वक्त का आज पैगाम है, कल्पना कर सका ना कोई कारवा, कब्र कल स्थिति से पहले क्या अंजाम है। लेकिन मास्टर एक लाइन गजल के अंदाज में गजल हुए बा तैयारी में जीरो कि मेरे खून ने दिल की मेहंदी, मेरे खून ने दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना, मेरे खून ने दिल की कि जब निकले मेरा जनाजा, कि जब निकले मेरा जनाजा, सहनाया बजान जो निकले मेरा जनाजा, गाना के अंदर भाव धीरे कभी जी बहुत अनमोल बात लिख रहे हैं, लेकिन का लिख लन सदियों से आ रहा है अपसानों का तराना, कहाँ मिलेगी मिट्टी, मिट्टी न किसने जाना, कहाँ मिलेगी मिट्टी, सही जिला उन्नाव गांव नगवा का दस्तान सही, वही के बासी थे पुनवासी एक किसान सही, रहे दो पुत्र रंग जंगी एक बहना थी, दोनों भाई के बीच खुशियों की वह गहना थी, बीमार पास रंगी को बुलवाए हैं, बहन सिला को रखना ख्याल वो समझाए हैं, दे यशासन पंछी पिंजरे से फरार हुआ, दे यशासन पंछी पिंजरे से फरार हुआ, बागवा रूठ चला पुष्प तब लच्चार हुआ, भैया पहले आप लोग कहानी समझ ला, कहानी समझ लो गाना समझे में आसान रही। जिला उना में नगवा एक थे गाँव, वो गाँव में बहुत गरीब एक थे किसान रहलन, जिनकर नाम बताओ गई पुनवासी, उनके पास भगवान तीन संतान देलन, जोने में दो ठे बेटवा
एक थे बिटिया। बड़का बेटवा के नाम रंगी रहल, छोटका बेटवा के नाम जंगी, बिटिया के नाम शीला रहल। एक दिन के बात हो, पुनवासी बीमार पड़लन। उनकर बड़का बेटवा रंगी देखले बा, सोचे लगल बा कि बाबूजी की हालत बहुत खराब बा, हमके लगत है कि बाबूजी ना बचियन। देखें भैया, दौड़ करके डॉक्टर के पास गिलन, जा करके कहलन कि अरे डॉक्टर साहब, हमरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब बा, आप जल्दी चलें दवा दर्पण कर दें, बाबूजी ठीक हो जाएं। लेकिन देखें बाबू, गरीबी हालत में, पैसा के अभाव में डॉक्टर दवा करे बदे ना आइलन। उस समय पुनवासी अपने बड़का बेटवा रंगी के बुला कहलन कि बेटा बेटा, दवा के अभाव में हमें दुनिया के छोड़ के जा रहल बनी, लेकिन हमरे दिल में यह उल्लास बा, यह तमन्ना बा बेटा, कि बहन जौन तुम्हार शीला है, उनके हमेशा ख्याल रखिया, अपने छोट भाई जंगी के डॉक्टरी पढ़ा करके डॉक्टर बना दिया बेटा, यही हमरे तमन्ना के पूरा कर दिया। देखें बाबू, इतनी बात कहले के बाद पुनवासी ये दुनिया के छोड़ के चल बसल। लेकिन देखें भैया, काम क्रिया बीतले के कुछ दिन के बाद जब रंगी के बाबू वाली बात याद पड़ल बा, तब अपने छोट भाई जंगी के लंदन में डॉक्टरी पढ़े बदे भेज दिलन, तब भैल का मास्टर एक लाइन तर्ज लगी। अरसिया गीत बा कि मैं प्यार करो भरतार, हो मैं प्यार करो भरतार, भरतार मंगवाई दे रे चोली रे समी, भाव धिर गई। जब जंगी लंदन में डॉक्टरी पढ़े लगलन, उस समय के बाद भैल का कि जब छूटी गयल घर द्वार दिन बीते उमरिया लंदन में, जब छूटी गयल घर द्वार दिन बीते उमरिया लंदन, जब छूटी गयल जिया मास्टर जिया दिन बीते उमरिया लंदन में, वह जाने को मजबूर हुआ, भाई से भाई दूर हुआ। जब अखिया बरस जलधार, बरसेला जलधार दिन बीते उमरिया लंदन में, जंगी डॉक्टरी पढ़े लगलन, तो उनके कुछ बीतल बात याद पड़ गई। आई ये बात याद पड़ल बा, ये सोचे थे वन कि वो बचपने में माई मर गई, बाबूजी मर गईलन, दूठे भाई बहन भी रहलन, वो घरे छूट गईलन, आज ये लंदन में हम अकेले डॉक्टरी पढ़त हैं और अपने जीवन की परवस्ती करते हैं। लेकिन देखें बाबू, मजबूर होकर के लंदन में जंगी डॉक्टरी पढ़े लगलन, आ जब पढ़े लगल हुआ तो उनके पैसा की आवश्यकता पड़ गई बा, तो कैलन का मास्टर एक लाइन गीत लगिल बा, तैयारी में दी हा। जो आ गीत हो बा, आप लोग एक गीत के कैसेट में सुनत हुआ, हर चट्टी हर चौराहा हर घर में बाजत बा, कि हाथ में रुमाल लेके पोछे तड़ू गाल हो, बुझा था कि वो मैंने बबे कट हुआ। लेकिन यही के तरी सा हम बदल के गाइला, का गाइला मास्टर, अरे नारी के बड़ाई सुनी, नारी के बड़ाई सुनी, आइला धधाई हो बताई भी आज तोहरा के,
तन्नारी मारा दे, तन्नारी मारा दे से, हो नारी मारा दे से, कमना ही गाई हो बताई भी आज तोहारा दे, नारी मारा दे से, कमना ही गाई हो बताई भी। भैया आप लोग के मनोरंजन बदल तर्ज रहा, गाना के अंदर भाव धेल गई। जब पैसा की आवश्यकता पड़े बा तो जंगी कैलन का वो समय की बात बा। अरे लिखी लिखी पाती जंगी, कि लिखी लिखी पाती जंगी, भैया के पठावे हो मंगावे पैसा। पढ़ले में बितावे हो मंगावे पैसा, बिकले पढ़ाई बिकल पढ़ाइया में खेत खरिहाना, हो गईले बेकार जग में सोचला सपना, और पापी पेट पैसा बिना, पैसा बिना दर दर घुमावे हो मंगावे पैसा, दिनवा पढ़ले में बितावे हो मंगावे पैसा। देखे बाबू, जब जब पैसा की आवश्यकता पड़े लगल तब तब लेटर लिख करके जंगी अपने बड़ भाई रंगी के पास भेजे लगलन। ये धीर देखल जाओ, रंगी घर द्वार खेत बाड़ी बेच करके यहाँ तक ले कि कर्जा कुआन कार करके लंदन में भेज दिलन। वो धीर जंगी डॉक्टर हो गलन, डॉक्टरी पढ़ के तो घरे लेटर भी भेजल बंद कर दिलन। वही समय बहिन शीला जोन बा रो रो करके अपने बड़का भैया रंगी से कहले का बा, मास्टर एक लाइन भोजपुरी तर्ज लगल बा, बना के दा बना के। पातर राम पातर राम पा अतार कर ही आई आए राम पातर दुआर बिकल घरवा दुआर बिकल कर्जा के सगरवाए भैया भेजल न पाती एक भेजल न पाती कहू छोट का बिरनवा ए भैया घरवा दुआर बिकल घरवा दुआर बिकल कर्जा के सगरवा भैया घरवा दुआर बिकल
सुशीला रो रो करके कहतिया कि भैया भैया जब लंदन में डॉक्टरी पढ़ के डॉक्टर हो गेलन तो घरे लेटर भी भेजल बंद कर देलन। हमनी के घर द्वार खेत बाड़ी सब बीच गई, यहाँ तक ले कि हमनी के शरीर पर कर्जा भी हो गई। हमनी के अब जीवन के परवस्ती कैसे हुई भैया देखे बाबू। बड़का भैया रंगी समझा कहते उनके, अरे बहन तू पागल हो गई लू, अरे बाबू के सपना जो रहल हमनी के भाई बहन मिल के पूरा तो कर देलिया। और रहे वाली बात बा अपने जीवन के परवस्ती करे वाली बात बा तो हम रहे बदे जगह खोज ले ले हैं, वही जगह पर रह के अपने जीवन के परवस्ती कर जाई। लेकिन देखें बाबू अपने बहन शीला के लेकर के रंगी गई कहाँ हुआ आप करत कहाँ हुआ मास्टर। फिर एक लाइन तर्ज लगी बा तैयारी में, अरे माई हो लाला नवा दे दा, बहनी हो बीरा नवा दे दा, बहनी हो बीरा नवा दे दा, देशवा कराना या पनी सोने के गहनवा दे दा, बहनी हो माई हो ललनवा देगा। लेकिन देखिए बाबू रंगी अपने बहन शीला के लेकर के गई कहाँ वनों से एक बात बा, अरे दिल्ली में ठिकानवा बहनी, है मिलल एक भावनवा बहनी, करबे माजा दूरी भरही, करबे माजा दूरी भरही जंगी के करनवा बहनी, दिल्ली में ठिकनवा बहनी, मिलल एक भावनवा बहनी, दिल्ली में ठिकनवा बहनी, मिलल एक भावनवा बहनी, बाबू के सपनवा बहनी पूजिया रमनवा बहनी, बाबू के सपनवा बहनी पूजिया रमनवा बहनी, दिन पढ़ाई कई के जे हदिन पढ़ाई कई के आई है घर बिरनवा रे बहनी, पूजी तहिया बाबू वाला, पूजी तहिया बाबू वाला सोचल सपनवा बहनी, दिल्ली में बिकनवा बहनी, भावनवा बहनी, अपने बहन शीला के लेकर के दिल्ली में पहुंच गिलन। वहां एक ठे किराया पर क्वार्टर ले लेलन, वो क्वार्टर में बहन शीला रह के खाना बनावे लगली। रंगी घूम घूम के मटके मजदूरी करे लगलन, आज जब मटके मजदूरी करे लगलन तो भैल का मास्टर बिरहा में टेरे लगे तैयारी से दे दिया। अरे राम जवानी जख्मी ज्वाला बन गई, खिली मन चली कली संगयाली किए छड़खानी, खिली मन चली कली संग अली किए छेड़खानी, जवानी जख्मी देखे बाबू। एक दिन के बात हो रंगी मजदूरी करे बदे चल गिलन, बहन शीला घर में खाना बनावत रहली। दो चार दस लोग अगल बगल के मन चला किसिम के रहलन, आ करके शीला के साथ छिड़खानी करे लगलन। उस समय शीला हाथ जोड़ के रो के कहले बा कि भैया भैया हम एक गरीब भाई के बहनी, भैया हमारी इज्जत पर आप लोग दाग मत लगावा। लेकिन देखें बाबू वो पापी नीच कमीना शीला के बात पर ध्यान ना देलन, शीला के साथ छिड़खानी करे लगलन। वही समय रंगी भी मजदूरी करके आ गेलन, तो बाबू केहू केतनो गरीब बा केतनो भिकमंगा बा जब देखी कि हमरे इज्जत पर यहाँ चावे लगल, उस समय मरे मिटे के तैयार हो जाई। रंगी जब अपने बहन के साथ छेड़खानी करत देखले हुआ तक कैलन का आयन वक्त आ गया है रंगी। अरे
इन वक्त आ गया है रंगी, तब उनको ललकारा है, पकड़ कराई एक का उसने, धरती पर तुरंत पछाड़ा है, कर दिए वार तब रंगी पर, अरे कर दिए वार तब रंगी पर, कुछ छिपे हुए बदमाशों ने, रंग गई लहू से बदन सभी, संग लगी छोड़ने बाबूजी। उस समय बर्दाश्त ना कर पोलन रंगी, अपने बहन के साथ छेड़खानी देखत करत के देखले हुए बर्दाश्त ना भइल बा, दो चार पांच बदमाशन के बहुत मार मार देलन, मार करके धरती पर गिरा देलन। देखें भैया दो चार पांच बदमाश अगल बगल में छिपा रहलन, आ करके रंगी के छुड़ा मार देलन। रंगी खून से लथपथ होकर की जमीन पर गिर गेलन। वही समय बहन शिला दौड़ करके अपने भैया की गोदी में उठो ले बा और रो रो करके कहत गवा मास्टर विदेशिया में, भागे सब घातिया हो, कई के दूर घातिया हो, बिली खेली बहिनी के बारी से नया नवा, खुनावा में लाला भाई ले रंगी बेहाला भाई ले, चली भैली सिला डॉक्टर के भावनावा, हाथवा के जोड़ी बोली भैया के लागल गोली, चली जाइए यल्हारे में भैया के परनावा, रामन लाया पापी बजर ढाया पापी, हसी हसी बतिया तबू बोलाते ही छनवा, देखे बाबू बहन सिला अपने भैया रंगी की गोदी में उठा ले रही, उठा करके रो थी। जब देखले ही कि हमारे भैया की जान ना बची, कुछ ही दूर पे एक छे डॉक्टर साहब रहत रहलन, दौड़ करके सिला और डॉक्टर साहब के पास पहुँचल ही, हाथ जोड़ के और रो रो कर कहती कि डॉक्टर साहब हमारे भैया के गोली लगी बा, आप जल्दी चली हमारे भैया के दवा दर्पण करके जान बचा ली डॉक्टर साहब। लेकिन देखें बाबू वो डॉक्टर पापी नीच कमीना, पैसा के अभाव में गरीबी हालत में कहत हुन कि अरे शिला तू एक गरीब भाई के बहन हो, तोहरे पास का हो कि तोहरे भैया के चल के दवा दर्पण कर दे, तू हमके दवा के पैसा दे देबू। देखे बाबू शिला जब इतना बात सुन लेबा, कहत या कि डॉक्टर साहब गरीब जरूर हैं, गरीब भाई के बहन जरूर हैं, लेकिन आप हमारे भैया के दवा दर्पण करके ठीक कर दे तो हम और हमार भाई मटका मजदूरी करके आपके दवा के पैसा चुका दिए डॉक्टर साहब। लेकिन देखें बाबू डॉक्टर साहब कहत हुए हंस करके कि अरे शिला तोहरे पास रुपया पैसा ना हो, जगह जमीन ना हो, लेकिन एक चीज हो, जवानी सुंदरता अगर जे दे देबू तो तोहरे भैया के चल के दवा दर्पण हम कर दे। लेकिन देखें भैया कैसे शिला के जवानी और सुंदरता डॉक्टर साहब मंगले हुन मास्टर एक लाइन तर्ज लगी
है देखा ओ दिल देता है, ओ दिल देता है रो रो दोहाई किसी से कोई प्यार न करे। गाना के अंदर भाव जल गई। कैसे डॉक्टर साहब सिला के सुंदरता मांगत हुआ वो समय एक बात बा ओ देबू बदले में, ओ देबू बदले में पवन निशानी जवानी तोरी चाहे सुंदर देबू बदले में पवन डॉक्टर साहब कहतवन की सिला तोहरे पास जवानी हो सुंदरता हो अगर जे हमके दे देबू वो अपने खातिर के ना मांगत हैं। लेकिन देखें बाबू केकरे खातिर के मांगत रहलन अंतरा के लाइन में बान के ला। अरे आई ले विधायक आजी, आई ले विधायक आजी हमरे भवाना सुंदरी सूरा सुंदरी में बीते, सूरा सुंदरी में बीते जेकर रात दिना सूरा सुंदरी में बीते जेकर रात दिना देदा से जिया पर पीहे आज पानी रे जवानी तोरी चाही सुंदर देदा से जिया पर पीहे आज पानी रे जवानी तोरी पीहे आज पानी रे जवानी तोरी चाही सुंदर। देखिए बाबू डॉक्टर साहब कहतवन कि अपने खातिर की ना जवानी मांगत हैं। आज हमरे घरे विधायक जी आए वाला हुआ, विधायक जी यहाँ रात भर रह करके विधायक जी की सेवा कर देबू तो तोरे भैया के दवा दर्पण करके ठीक कर दे। लेकिन देखें बाबू बारे भगवान के करिश्मा एक तरफ घायल भाई पड़ल बा, एक तरफ इज्जत के सवाल बा। बारे बहिन बहिन होते ऐसा देखें बाबू डॉक्टर साहब से कहतिया बहिन सिला रो रो करके। लेकिन का कहतिया मास्टर पॉपट में अरे बोली सिला भर गईली नजरिया डॉक्टर साहब हो अब भैया कारण हाजिर करब शरीरिया डॉक्टर साहब हो घर का पता बताई हो ये हमारा डॉक्टर चली भाई ले तब जहां घायल भाई हो अरे देख के रंगी कहां लगा जी करिया डॉक्टर साहब अरे देख के रंगी कहां लगा जी करिया डॉक्टर साहब हो अरे रहते रंगी तोहरे आज उमरिया डॉक्टर साहब रहते रंगी तोहरे आज बहिन सिला रो रो करे कहती है कि डॉक्टर साहब आज हमरे पास पैसा हो खेत बारी हो तो आप ये ढंग के बात ना कहते जोन की आज बात आप हमसे कहत ही। लेकिन ठीक बा आप जोन कहत ही वो करे के तैयार हैं। अगर जे भाई खातिन के कुछ भी करे के हुई तो हम कर सकीला। देखें बाबू बहिन होते ऐसा एक थे भाई के जान बचावे बदे बहिन सिला अपने भाई के कारण इज्जत गंवावे की तैयार हो गई। डॉक्टर साहब से कहली कि डॉक्टर साहब ठीक बा
आप जौन कुछ भी करी कहीं हम करे के तैयार हैं। देखें बाबू इतना बात जब डॉक्टर साहब सुन ले हुआ तुरंत सिला के लेकर के विधायक के बंगला पर पहुंच गेलन। विधायक बंगला पर छोड़ देलन सिला के, लेकिन वहाँ के बात आप लोग वहीं छोड़ दा तनी सा यहाँ के बात सुना। जहाँ की डॉक्टर साहब रंगी के दवा करे बदे पहुँचल हुआ, वहाँ पहुँचने के बाद कैलन का मास्टर अल्हा में भावा मिटले न मिटे जग में विधि के विधानवा ये भैया, होली हो नहारी जवन लिख करता रंगी बोला आंसू भर नया नवा ये भैया, आवे याद कहवा होई है जांगी हो हमार, सुधिया भुलैले जब से गाइले बिरा नवा ये भैया, जौली जांगी कारण बनली जग में भिखरिया ये भैया, सुधिया भुलाई कहवा गईले हो हमार, इतना सुनना का जंगी इतना सुनना का जंगी गारा वाला गौले भैया, तब तक पंछी पिंजरे से हो गईले फरार। देखिए बाबू जब डॉक्टर साहब रंगी के पास पहुंचे हुए दवा करे बदे, जब रंगी डॉक्टर साहब के देखले हुए तो उनके आंख से झरझर झरझर पानी गिरने लगे। डॉक्टर साहब पानी गिरत के देखले हुए उस समय पूछे लगलन कि अरे भैया बात का हो कि आपके आंख से झरझर झरझर पानी गिरत हो। उस समय डॉक्टर साहब से रंगी पूछत हुए कि अरे डॉक्टर साहब आप आ गईली, हमार बहन शीला कहाँ? डॉक्टर साहब कहलन कि भैया चिंता मत करा, हम पहले आ गई हाँ, तुहार बहन शीला आवत है, आ चिंता कैले के बात ना बा, हम आ गई दवा दर्पण करके ठीक कर दे। उस समय रंगी कहत हुआ कि डॉक्टर साहब ये बात ना हो, हम की कुछ बीतल बात याद आ गई, आ यही बात याद आ गई बा कि बचपना में दवे के अभाव में हमार बाबूजी ये दुनिया के छोड़ के चल बसल हुआ। लगत हो डॉक्टर साहब कि दवे के अभाव में आज हम ये दुनिया के छोड़ दे, यही बात याद पड़ल बा डॉक्टर साहब। लेकिन देखें बाबू इतना बात कहले के बाद औरी करंगी कहत हुआ बात जगह से बा अले से मानवा में सोचे जंगी, मानवा में सोचे जंगी आपन कर तुतिया ये भैया, मानवा मल्ली न आईले, मानवा मल्ली न आईले घरवा रे मजा, लिखे एक पतिया भी थकी उठे छतिया ये भैया, सबही रजिक करिया तब लिखे या सुधा, रसरी से फसरी ला गौले वही समय आए भैया, पिस्टल पास पतिया के रखे बेकारा। देखे बाबू और डॉक्टर साहब से बताओ थुवन रंगी की, डॉक्टर साहब एक थी और बात याद पड़ गई, आ यह बात याद पड़ल बा कि आप ही के देह के आप ही के चेहरा मोहरा के एक थे हमार भाई रहलन, उनके सारा दौलत बेच करके लंदन में डॉक्टरी पढ़ौली,
आज भैया हमार कहीं हुई हैं, आपे जिससे डॉक्टर का हाथ हुई हैं। देखे बाबू जब इतना बात डॉक्टर साहब सुन ले हुआ तो डांट के कहले हुआ क्या गरीब के भाई गरीबे न हुई भिख मंगे न हुई कि डॉक्टर कहाँ से हो सकेला। देखे बाबू इतना बात जब सुन ले हुआ रंगी कहत हुआ कि अरे डॉक्टर साहब गरीब आप हमके कह सकेला भिख मंगा हमके कह सकेला लेकिन हमरे भैया जंगी के ना हमार भैया कहीं भी हुई हैं तो आप इस डॉक्टर कहा हुई हैं लेकिन देखें बाबू जंग वो डॉक्टर रहे के वह डॉक्टर जंगी रहलन। जब जंगी के आवाज़ सुनलन रंगी के मुंह से अवाक हो गलन अवाक होकर के सोचे लगलन कि जंगी जंगी तो नाम हमारा है यह बात सोचत हुआ अपने मन में लेकिन देखें बाबू बीतल की बतिया उन्हों की नहीं याद रही। जब सारा बात की जानकारी उनके भैया तो सोच गिलन कि हे हमार भैया रंगी हुआन जौन की सारा दौलत बेच के लंदन में डॉक्टरी पढ़ौलन आज यही हमार भैया रंगी हुआन। देखे बाबू दौड़ करके अपने भैया के गले से गले मिलन हूँ इतने बात कहले के बाद रंगी भी ये दुनिया के छोड़ देलन। लेकिन देखे बाबू तुरंत अपने मन में सोचे लगलन जंगी की अरे बाप रे बाप ये सारा घटना के दोषी हम ही जंगी डॉक्टर हैं। लेकिन भैया ते दुनिया के छोड़ के चली गईलन लेकिन कम से कम अपने बहन की इज्जत बचा ली। देखे बाबू दौड़ करके विधायक के बंगला पर डॉक्टर साहब पहुंचल हुआ लेकिन वहां भी बहन की इज्जत बारे भगवान इज्जत लूट गई रही। वहां से भाग करके अपने क्वार्टर में अलन एक ठी चिट्ठी लिखलन चिट्ठी में सारा बात लिख देलन यहां तक लिख ले हुआ कि बहन ये सारा घटना के दोषी तुहार भाई गरीब अभागा जंगी डॉक्टर माफ कर दिया बहन गलती के लेकिन हम विधायक पापी से बदला ना ले पाली तोहरे पास क्षमता हुई हिम्मत हुई विधायक से बदला ले लिया ये लिए कि जब तक ले उजी ही तोहरे जिसन हजारों बेटी बहन की इज्जत लूटी अगर जो पाजी मर जाई तो तोहरे जिसन हजारों बेटी बहन की इज्जत बच जाई। देखे बाबू सब बात लिख करके एक थे मेज के ऊपर रख देलन पिस्तौल रहे पिस्तौल के भी मेज के ऊपर रख देलन और तुरंत रसरी से फांसी लगा करके वो क्वार्टर में झूल गेलन। और धीर देखे जाओ शीला जब विधायक बंगला से छुट्टी पोले ही दौड़ करके आई रही भैया के हालत पूछे बदे डॉक्टर साहब के क्वार्टर में घुसे रहे डॉक्टर साहब फंसड़ी लगा करके झूलल हुए अचानक नजर पड़ गिलवा लेटर के ऊपर लेटर उठा करके पढ़े लगल है। जब सारा बात की जानकारी हो गिलवा शीला भी सोच गई कह रहे बाप रे बाप यह हमार भैया जंगी हुमन जिनके की सारा दौलत बेच करके लंदन में डॉक्टरी पढ़ो लीजा आज यही हमार भैया जंगी हुमन। लेकिन देखे बाबू जब सारा बात लेटर के जानकारी हो गई बा उस समय शीला माँ चंडी के रूप पकड़ ले ली और पकड़ने के बाद कैली का मास्टर खड़ी में पत्थर के कले जवारे बनाई सुंदरी पहुंची कोठरिया अरे दिहली गोली पापी परी चलाई सुंदरी तया अपन पत्थर के कलेजवा हो बनाई सुंदरी
करके विधायक जी के बंगला में पहुंच गेली। विधायक के दरवाजे सेवाज दिली, अंदर से विधायक जी पूछलन कौन। शीला अपन नाम बतौली, विधायक जी खुश हो गेलन, गदगद हो गेलन, गदगद होकर के सोचे लगलन कि वो शीला मुझसे बहुत प्यार करती है, फिर मिलने के लिए आ गई। देखे बाबू खुश होकर के विधायक जी आकर के दरवाजा खोल दिलन। आज जब सामने पड़ल हुआ तो शीला तीन गोली मरले हो। आज जब तीन गोली लगल बा तो मम्मा दांत चियार के सुना माने जे के भैया गोली लगी वो हंसी कहत हुआ कि हंसे लगना। जब तीन गोली लगल बा उस समय विधायक ये दुनिया के छोड़ दिलन। लेकिन शीला सोचे लगल के दुनिया में जियल धिरकार बा, के दुनिया में जियब तो लोग हमके बुरा निगाह से देखियन, बाप इन कह के पुकारियन। बिरथा बाजी अल जग में तो चली गुजरिया, अब बगिया बिरान भैली जग में अंधारिया, अरे दूसरा गोली खुद सीने चलाई सुंदरी। अपन पत्थर के काले जवारे बनाई सुंदरी, देखे बाबू यह बात सोच करके शीला दूसरे गोली अपने सीने में मार करके और ये दुनिया के छोड़ देली। लास्ट में यानी घर के घर में जितना परिवार हलन सब परिवार साफ हो गेलन। यहीं से कहानी खत्म बा। लास्ट प्रमाण में गुरु घराने के परिचय तक कवि लिखन का, गुरु गणेश गुरु राम लाल हैं धन्य हरि की माया। अरे कथन करें कभी श्री कुमार से कोई पार ना पाया हो, जवानी जख्मी ज्वाला बन गई, जवानी जख्मी ज्वाला बन गई, अरे माया अनुरागी से पार ना पाई बसानी, जवानी जख्मी ज्वाला।